आज के ब्लॉग की शुरुआत में ये मौसम देख लीजिए, और ये मौसम देखते ही समझ तो आप गए ही होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12:30, पर अचानक से बैंगलोर ने डिसाइड किया कि मौसम को ऐसा हसीन कर दिया जाए। आज का जो लंच है ना, वो भी एकदम से आज के मौसम के हिसाब से एप्ट हो गया है। सोच के तो नहीं बनवाया था, पर मौसम अचानक से अच्छा हो गया। तो क्या बना था आज? आज बना है खाने में खिचड़ी। एकदम परफेक्ट बनाया है, जैसा थोड़ा सा ना हम दोनों को लिक्विडी खिचड़ी अच्छा लगता है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही लग रही है मुझे। खिचड़ी के साथ बनवाया है मैंने कढ़ी खुद के लिए। तो अंगद तो कढ़ी खाएगा नहीं, पर मैंने कहा चलो आज मैं खिचड़ी कढ़ी खाती हूँ। ऐसा मौसम हो जाए ना तो मेरा तो मन खुश हो जाता है। मतलब सोचिए, मौसम से कितना ज्यादा आपका मन रिलेट करता है। वही जहाँ पे गर्मी होती है, धूप होता है, तो उस दिन मन कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और आज जैसे ही मौसम बदला तो लग रहा है वाह, एक सिंपल सी खिचड़ी भी लग रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है खाने में। इनफैक्ट शाम की चाय भी पीने का मेरा अभी से मन कर रहा है कि आज शाम को चाय पिया जाए। तो मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे मूड में, है कि नहीं? एनीवेज, तो पहले अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मैंने आज अंगद के लिए अगेन एक रिलैक्सेशन वाला टाइम प्लान किया है। तो आपको पता ही है, मैं तो कई बार ही मसाज जो है घर में बुक करवाती रहती हूँ। पहले भी मैंने मसाज करवाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्सिंग रहता है। पर अंगद ने कभी भी ट्राई नहीं किया। उसका मैंने एक बार ही हेयर कटिंग बुक किया था बस, तो वो मानता ही नहीं था कि नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। पर अब वो जिम जाता है रेगुलरली, और अभी क्या हो रहा है, 2-3 दिनों से ना वो वेट ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद रोज कह रहा था दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमेशा ऐसे ऐसे हाथ करता रहेगा। तो मैंने सोचा चलिए ये अच्छा है, उसको मैं एक सरप्राइज वाला, गिफ्ट वाला एक मसाज सेशन बुक करके देती हूँ। पर मैंने उसको सुबह ही बता दिया, मतलब सुबह तक मैंने इस बात को डाइजेस्ट कर लिया था, फिर मैंने सुबह बता दिया, क्योंकि वो प्लान बना रहा था मौसम देखने के बाद से कि चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, कहीं जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं आज नहीं जा सकते, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्लान किया है मसाज सेशन। तो देखते हैं अगर एक्सपीरियंस कैसा रहता है घर में मसाज लेने का। 1.5 घंटे का उसका रिलैक्सिंग वाला सेशन मैंने बुक किया है, क्योंकि हमेशा हस्बैंड हमको पैम्पर करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो मैं तो अंगद को कुछ ना कुछ पैम्पर करती हूँ, कुछ ना कुछ सरप्राइज देती हूँ, आप लोग देखते ही रहते हैं, अच्छा लगता है। एनीवे चलिए पहले फटाफट बनाते हैं, बनाते नहीं है, खाते हैं खाना। अंगद पापड़ खाओगे? खिचड़ी बने और पापड़ ना हो कैसे हो सकता है? आज सुबह से हमारा कुछ भी काम ज्यादा हुआ नहीं है। सुबह सुबह चले गए थे हम लोग आम लाने के लिए, तो ये भी खाली नहीं हुआ। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए क्या साइज का आया है ये अमरूद। इसको बोलते हैं थाई गुआवा, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। क्या साइज है, मतलब तुमने देखा है अंगद इतना बड़ा अमरूद कभी? कभी नहीं देखा। ये पेड़ पे लटकता कैसे? सच में डाली टूट नहीं जाती है? देखिए मेरे पास मस्क मेलन भी पड़ा हुआ है, इसके सामने अगर रख दिया जाए तो ऑलमोस्ट उसी के साइज का अमरूद है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है। आ गए अंगद के मसाज थेरेपिस्ट। मैंने ये मसाज सेशन बुक किया है अर्बन कंपनी के ऐप से। तो बस ऐप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मसाज फॉर मेन, उसमें मैंने सिलेक्ट किया है पेन रिलीफ डीप टिश्यू थेरेपी, और मैंने 1.5 घंटे का सेशन बुक किया है। बहुत ही आसान है बुकिंग करना, टाइम एंड डेट सिलेक्ट करिए, पेमेंट करिए एंड बुकिंग डन। यहाँ पे देखिए एकदम माहौल भी जो है ना वो स्पा वाला ही बना देते हैं ये लोग। कैंडल बर्न करते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं बहुत ही सूदिंग सा, और जो ऑयल आपको लगाया जाता है वो आपसे पूछते हैं कौन सा ऑयल आपको चाहिए, उसको भी थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि अच्छे से पेन रिलीफ हो पाए। उसके बाद आपको पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे पेन है, तो अंगद वही एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको नेक में बैक में ज़्यादा पेन होता है। फिर प्रेशर कितना लगाना है वो भी आपसे पूछते हैं, और फिर 90 मिनट का मसाज सेशन अंगद का स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। मसाज के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो बेड है, ऑयल है, सब कुछ ये लोग घर से लेकर आते हैं, आपको कुछ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। और बाद में अच्छे से रैपअप भी कर देते हैं, कहीं पर अगर तेल वगैरह गिर गया है तो उसको भी साफ़ कर देते हैं, और एकदम डिम करके लाइट म्यूज़िक के साथ और अच्छी सी खुशबू के साथ जब आपका ये मसाज होता है तो कितना रिलैक्सिंग लगता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बुक करना होगा तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करिए और अपने लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए मसाज बुक करिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही ज्यादा ऑसम रहा, मतलब एकदम राइट प्रेशर के साथ में सुपर। सो गए थे क्या? हाँ मैं एकदम लिटरली सो गया। लग रही है आवाज से ही लग रहा है। बहुत रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्सिंग था। देखा मैंने कहा ना वर्थ होता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं हाँ, अभी एकदम सब कुछ लूज लूज लग रहा है, एकदम मजा आ गया। आवाज से इतना चल रहा पता कि तुम जो सोए हो ना। The next day
गुड मॉर्निंग। कल मैंने अंगद के मसाज सेशन के बाद तो कुछ ब्लॉग किया नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा उसको, रिलैक्सिंग लगा। जो मेरा इंटेंशन था वो पूरा हुआ। मैंने तो कई बार लिया था पर उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी अगर बुक करना होगा तो जरूर करिएगा, खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। एनीवेज आज बन रहा है स्पेशल लंच। आज मैं बहुत टाइम के बाद बनाने जा रही हूँ मटन। तो पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने नॉनवेज तो वैसे भी नहीं खाया था, मेरा मन नहीं करता था। एग तो खाना पड़ता था, कंपलसरी था, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। और मटन जो होता है उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो वैसे भी मैं अवॉइड कर रही थी। अभी सेकेंड सेमेस्टर हुआ आया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि नॉनवेज खाना भी स्टार्ट करो, तो मैंने एक दो बार चिकन बनाया। पर अभी क्या है ना, मौसम बैंगलोर का अच्छा हो गया 3-4 दिनों से, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज मटन खाया जाए। वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, अंगद को बड़ा अच्छा लगता है। मेन जो था प्याज कट करना वो अंगद ने कर दिया है, प्याज और आलू। अब मुझे मटन वॉश करना है, उसके बाद में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट कर लूंगी और इसको कट करके वैसे भी रखना है मुझे, तो वो भी कर लेंगे। और उसके बाद जाऊंगी शाल लेके, तब तक मटन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा, फिर शाल लेके आऊंगी और फिर बनाऊंगी खाना। तो मैं जो बनाती हूँ ना वो कुकर में बनाती हूँ। बहुत लोग पहले कढ़ाई में बनाते हैं फिर कुकर में ट्रांसफर करते हैं, तो मैं जो फ्राइंग वाला काम है ना वो कुकर में ही कर लूंगी और कुकर में ही बना भी लूंगी। और साथ में बनेगा राइस, सिंपल सा घी राइस एंड मटन खाइए, होपफुली बहुत अच्छा बने। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। हम लोग ना ये वाला आम लेकर के आए हैं, अगेन 7.5 kg है इस बार। जितने भी थे ना वो पुराने वाले आम, हम लोग 10 kg लेकर आए थे, वो 10 kg ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब 5 से 6 ही बचे हुए हैं। और एक भी ना हमने इतने अच्छे से मैनेज किया कि एक भी सड़ा नहीं, वरना मुझे लग रहा था कि इतने सारे आम है पक्का कुछ ना कुछ होगा जो सड़ जाएगा, वेस्टेज हो जाएगी। पर इतने अच्छे से मैनेज किया हम लोगों ने कि कोई भी आम सड़ा नहीं है। तो ये तो फर्स्ट लॉट था जो हमने लिया था 10 kg वाला, तो वो मीठा था पर उसको टाइम लगा मीठा होने में। पर अब एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ कि ये नया आम है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, मार्केट में अच्छे आम आ गए, तो ये वाला जो 7.5 kg है ये ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेट्स सी। और आम क्या है कि अंगद दिन में 3 तो खा लेता है लगभग, सुबह नाश्ते में खा लेता है, फिर लंच में खाता है, फिर रात को खाता है, और बीच में कभी कभी मैंगो शेक बन जाता है। मैंने अपना कोटा 1 रखा है, 1 आम अगर आप खाते हो, अगर घर पे पकाया है तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको अगेन पेट गर्म ना हो रहा हो तो आपको देखना पड़ता है, तो मुझे नहीं हो रहा है तो 1 मैं खाती हूँ। तो दिन के 4 आम का कंजप्शन हो जाता है, और सोचिए इस रेट में हमने 10 kg खत्म भी कर दिया। सारी प्रेप जो है वो डन हो गई है, यहाँ पे मैरिनेट करने को मटन रख दिया है। अगर आप दही खाते हो तो दही डाल के मैरिनेट करिए, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे आलू कट हो गया है, इधर में अरे रे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया है ग्रीन चिली डालकर, धनिया पत्ता भी धुल गया है। इधर में मैंने चढ़ा दिया है आनियन को, बहुत सारा आनियन है, टाइम लगेगा इसको अभी फ्राई होने में ही। यहाँ टमाटर कट कर लिया। मैं जब भी मटन बनाती थी ना तो मैं बनाती थी सरसों के तेल में, टेस्ट अच्छा आता है, पर सरसों का तेल मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी, तो इसलिए मैंने रिफाइंड में बनाया है।
मटन पक गया अच्छे से और काफी ज्यादा टेस्टी दिख रहा है, होपफुली टेस्टी हो भी, और जो उसका ग्रेवी है वो भी परफेक्ट क्वांटिटी में है। अब ना इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ में मैं नींबू डाल दूंगी, नींबू का रस, उससे और भी अच्छा लगता है। एंड जैसा मैं चाहती थी आई गेस वैसा ही बना है एकदम। आहा, बहुत दिनों के बाद मुंह में पानी आ गया। आज अंकित बहुत एक्साइटेड है, एक तो नॉनवेज इतना कम बनता है, ऊपर से आज मटन बना है उसमें से, तो राइस सर्व करने भी लग गया। चलिए फटाफट खाते हैं। टाइम लग ही जाता है पता है मटन बनाने में, तो मेरा टारगेट था कि 2 बजे तक तो बन जाए और लग गया 2 घंटा बनते बनते, फाइनली 1:45 को हम लोग खा रहे, वरना इससे लेट होता तो मुझे अंगद बोलता जल्दी करो इतना लेट हो गया, उसको भूख लग जाती है ना स्मेल से भी, मुझे भी लग गई थी भूख बर्दाश्त। हाँ सच में। फिर कुछ भी आप खाने लगते हो और फिर मेन लंच जिसमें मेहनत किया है वो आपका चला जाएगा, उसका भूख मर जाता है। तो चलिए ये डाला नींबू का रस, घी ले लो ना, घी अच्छा लगेगा। आज तो ऐसा लग रहा है ना कि भगवान से जो मांगती मिल जाता। मैं कह रही थी ना मौसम अच्छा होगा तो लंच करने का मजा आएगा, क्या मौसम हो गया है, मतलब धूप तो कम था ही, बारिश हो रही है बाहर, और जो मटन बना था ना, मतलब मैंने शायद 7-8 महीने बाद खाया, कब खाया था लास्ट मुझे याद नहीं, और इतने मन से मैंने प्यार से बनाया था और जो स्वाद बना था, मतलब आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, मुझे अंदर तक क्या बोलते तृप्ति आ गई खा करके, परफेक्ट मटन, परफेक्ट और परफेक्ट मौसम। तो खैर अच्छा खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और अब जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बनता है ना बाहर थोड़ा जाना ऐसे मौसम को एंजॉय करना। तो अंगद भी यहाँ पे तैयार हैं और मैं भी तैयार हूँ। मैंने क्या पहना मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लोरल सा पहना है जिस मौसम पे बहुत अच्छा जाएगा और मेरे मूड पे भी, मतलब अच्छा खाना खाइए ना, मेहनत से बनाइए और खाना अच्छा निकले और आप एंजॉय करें, उसको अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। देखा क्या मौसम हो गया, मतलब मैं अंगद को बोल रही थी कि इस टाइप वाले शॉर्ट्स तो मेरे चैनल पे कब आते थे, जब जुलाई अगस्त सितंबर हो जाता है, पर आज देखिए ये मेहरबानी हमें मई में ही मिल रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम हो गया, बड़ा खुशी खुशी हो रहा है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक कैफे, क्योंकि कहीं और अगर जाने को नहीं है ना तो एटलीस्ट किसी कैफे में जाकर अगर बैठे 1.5 घंटा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम दोनों को टाइम पास हो जाता है वहाँ पे। और अंगद को मैंने नहीं बताया कौन सा कैफे जा रहे हैं, मुझे ये गेम खेलने का मजा आ गया कि कहीं भी जाना हो मैं डिसाइड कर लूं और फिर अंगद को बोलूं सरप्राइज तो ये वाला भी उसको नहीं पता है। छतरी निकालनी पड़ गई है, बारिश हो रही है, और मैंने भी देखा जिस कैफे में हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे लाइन लगी हुई है और मैंने रिजर्वेशन भी नहीं करवाया, तो आई डोंट नो एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं, पर अच्छा लग रहा है वॉक करने में छतरी लेके। तो ये वाला कैफे हम लोग आए हैं, ड्यू आर्ट कैफे कोरमंगला, और ये ऐसा सुंदर सा है और यहाँ पे भीड़ देखिए। हेलो मैडम। हेलो, मेन्यू देख रहे हो तो वेटिंग करते करते। उसके बाद हमें फाइनली जगह मिल गई है और इतना अच्छा मौसम है ना, सामने बारिश हो रही है और ये माहौल भी उतना अच्छा है और होपफुली खाना भी अच्छा हो, तो बड़ा ही अच्छा हो गया शाम आज का, मतलब क्या बताऊं। ठीक है, वो जो खिड़की दिख रही है कितनी इंटरेस्टिंग खिड़की लग रही है ना।
तो कैसा रहा अंदर बनाने का जगह, कैसा रहा वहाँ? तो आवाज आ रही थी कि नहीं पता नहीं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, इतना अच्छा एम्बियंस और माहौल। तो बारिश ने एकदम चार चांद लगा दिया, भले चांद ना दिख रहा हो बारिश में, पर फिर भी चार चांद लगा दिया। वहाँ भी पीजे कैसे सोच लेते हो यार तुम ऐसे और वहाँ पे हमने चीज टोस्ट खाया, वो वन ऑफ द मतलब बेस्ट है, मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड था। आज तक ऐसा चिली चीज टोस्ट नहीं खाया कभी। अगर आप कोर बंगला के पास रहते हैं तो आते हैं तो यहाँ भी रहते हैं तो भी तो आइए बैंगलोर में, वो तो ये चीज टोस्ट ट्राई करिए। एंड साथ में चाय पिया हमने, एक अनियन भज्जी था वो खाया, अनियन रिंग्स, बट जो चीज टोस्ट था ना वो तो मजा ही आ गया। और हम लोग सोच रहे थे कि क्यों हमें भूख उतनी नहीं है कि हम कुछ और ट्राई करें। तो एम्बियंस अच्छा, जगह अच्छा, सब अच्छा, बस पार्किंग नहीं है वो एक इशू है, सारा नो पार्किंग जोन है तो आपको थोड़ा पार्किंग दूर करना पड़ेगा, बट अगेन बहुत अच्छी जगह है तो मजा आया। इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।